नमस्कार, मैं हूं काजल झा, मेरे साथ देख रहे हैं बॉलीवुड की थी। विवेक अग्निहोत्री की मच अवेटेड फिल्म द वैक्सीन वॉर ने सिनेमा घरों में दस्तक दे दी है। बता दें कि ये फिल्म साइंस पर आधारित होने वाली है। ये फिल्म भारत की पहली बायो साइंस फिल्म होने वाली है। यह फिल्म COVID-19 महामारी की अनिश्चित अवधि के दौरान मेडिकल कम्युनिटी और साइंटिस्ट की कड़ी मेहनत को दिखाएगी। इस फिल्म का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था। नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और राइमा सेन स्टारर यह फिल्म कोरोना महामारी के दौरान भारत के वैक्सीन बनाने की जद्दोजहद पर बनी है। बता दें कि यह फिल्म ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। जब देश में कोरोना वायरस के डर से लोग अपने अपने घरों में बंद थे, तब कैसे हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स लोगों की जान बचा रहे थे और हमारे लिए, देश के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने की कड़ी मेहनत को इस फिल्म में उतारा गया है। फिल्म कल सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और फिल्म में एक से एक महारथी शामिल है। नाना पाटेकर, राइमा सेन और पल्लवी जोशी स्टारर फिल्म द वैक्सीन वॉर लोगों को काफी पसंद आ रही है। इस फिल्म की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, भारत कर सकता है, लव यू विवेक अग्निहोत्री जी, इस फिल्म को मैं पूरे 5 स्टार देता हूँ। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, इस फिल्म को देखकर मेडिकल प्रोफेशन में होने का गर्व महसूस कर रहा हूँ। एक और यूजर ने द वैक्सीन वॉर की तारीफ करते हुए लिखा, बहुत खूब विवेक अग्निहोत्री, यह सबसे सार्थक फिल्म है जो वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और बलिदान की वीरतापूर्ण कहानी को दर्शाती है। यह फिल्म हर किसी को देखनी चाहिए। बता दें कि द वैक्सीन वॉर के साथ दो और बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं, फुकरे 3 और चंद्रमुखी 2। देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म बाजी मारती है। धन्यवाद, जुड़े रही ऐसी बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड केसरी के साथ।